नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने एडिशनल स्पाइस बॉम्ब इसराइल से खरीदने का फैसला किया है, और साथ ही दोस्तों हमें राफेल के साथ में भी मीटियोर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल मिलने वाली है, और इसे भी इंडिया ने एडिशनली भी खरीदा है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, जहां तक उसका चाइना से मुकाबला हो सकता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया चाइना के बीच में लद्दाख बॉर्डर के ऊपर कंटिन्यूअसली एक स्किर्मिश चल रहा है, जहां पर दोस्तों दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में दोस्तों न्यूज एजेंसी ANI ने रिपोर्ट किया कि इंडिया अपनी तीनों सेनाओं के लिए अलग से वेपन सिस्टम खरीदने की सोच रहा है, जिसे इमरजेंसी परचेज के तहत खरीदा जा रहा है। इसके अंदर इसराइल से स्पाइस 2000 बॉम्ब भी शामिल है। ये स्पाइस बॉम्ब दोस्तों एक गाइडेंस और मिनोवरिंग किट है, जो कि बहुत ही स्मार्ट, प्रिसाइज, इंपैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और सही जगह पर जाकर दोस्तों निशाना लगाती है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सैटेलाइट गाइडेंस होती है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होते हैं। और दोस्तों स्पाइस बॉम्ब ने ग्रेविटी बॉम्ब को एक सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग रेंज गाइडेड वेपन के रूप में बदल दिया है। दोस्तों जो स्पाइस 1000 की किट आती है, इसके अंदर 500 किलोग्राम का बॉम्ब होता है और जिसकी ग्लाइड रेंज 100 किलोमीटर होती है। वहीं स्पाइस 2000 जिसके अंदर 1000 किलोग्राम का बम होता है, उसकी रेंज 60 किलोमीटर होती है। और जहां तक दोस्तों लेजर गाइडेड बॉम्ब की बात करें, तो ये कम एक्सपेंसिव पड़ते हैं इनसे और एक्यूरेट भी होते हैं, लेकिन दोस्तों क्लाउडी मौसम के अंदर या स्पेशली दोस्तों जब वेदर एडवर्स हो, तो ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, और लेजर गाइडेड बॉम्ब की रेंज भी केवल 15 किलोमीटर होती है। और दोस्तों इसकी लॉन्ग रेंज होने की वजह से हम बड़ी आसानी से इन्हें वहां पर भी छोड़ सकते हैं जहां पर हमारी रीच ना हो, यानी कि दूर से भी इनको छोड़ा जा सकता है टारगेट की तरफ, क्योंकि रशिया S-300 S-400 का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में दोस्तों ये बॉम्ब बहुत ही ज्यादा कारगर होंगे। और दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में हमारे सुखोई 30 को भी स्पाइस बॉम्ब से लैस करने का प्रयास किया गया, क्योंकि दोस्तों ये 35 टन का वजन लेके जा सकता है, जो कि मिराज 2000 से ऑलमोस्ट डबल है, और ऐसे 250 एयरक्राफ्ट हमारी इन्वेंट्री में भी है। तो दोस्तों यही कारण है कि सुखोई 30 जो है वो ऐसे तीन स्पाइस 2000 बॉम्ब लेके जा सकता है, जिससे इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों अब इन्हें सुखोई 30 के साथ भी लगाया जाएगा। और दोस्तों स्पाइस 2000 बॉम्ब के अलावा अभी फ्रांस ने हमें जो शिप किए हैं वेपन सिस्टम, उसके अंदर मीटियोर मिसाइल और स्कैप क्रूज मिसाइल शामिल है। ये दोनों ही दोस्तों राफेल के ऊपर इंटीग्रेट की जाएंगी। और दोस्तों स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो है, इसे MBDA ने बनाया है। इसका वेट 1300 किलोग्राम है और इसकी जो रेंज है दोस्तों वो 250 किलोमीटर है, यानी कि दोस्तों आप इंडिया में रहते हुए ही चाइना या पाकिस्तान के अंदर इससे अटैक कर सकते हैं, और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसकी रेंज इससे भी डबल है। वहीं दोस्तों स्कैल्प मिसाइल के अंदर अगर गाइडेंस सिस्टम की बात करें, तो इसके अंदर GPS भी है, इनर्शियल नेविगेशन भी है, इंफ्रारेड सीकर भी है, और टेरिन रेफरेंस भी दी जा सकती है। और इसके अलावा इसके अंदर स्टेल्थ क्वालिटी भी है, क्योंकि इसके अंदर एयर फ्लो इंटेक बहुत ही कम होता है, और रडार की डिटेक्शन से बचने के लिए वह यह बड़े लो लेवल के ऊपर फ्लाई करती है। और दोस्तों स्कैल्प मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है, ये हाई वैल्यू फिक्स टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसके अंदर दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और दोस्तों स्कैल्प मिसाइल के अलावा जो ब्रिटिश मिसाइल है स्टॉर्म शैडो, इन दोनों का बहुत से कंफ्लिक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली इराक के अंदर और लीबिया और सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक के अंदर। और इसके अलावा इन मिसाइल्स को अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया गया है, जिनके अंदर ग्रीस, सऊदी अरेबिया और कतर शामिल है। और दोस्तों जो राफेल फाइटर जेट है वो अपने साथ तीन स्कैल्प मिसाइल को लेके जा सकता है, और दोस्तों ये ब्रह्मोस मिसाइल के बाद में दूसरी मिसाइल होंगी जो डीप स्ट्राइक कर सकेंगी। हालांकि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का वेट बहुत ज्यादा है, और एक सिंगल सुखोई 30 MKI एक ही मिसाइल लेके जा सकता है। तो दोस्तों स्पाइस 2000 बॉम्ब और स्कैल्प मिसाइल के आने से इंडिया की एयर पावर जो है वो बढ़ जाएगी, और इससे दोस्तों चाइना को भी खतरा हो जाएगा। हालांकि चाइना भी इसके अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है, उसके पास भी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, और उसकी H-6 बॉम्बर की जो फ्लीट है उसके अंदर भी मिसाइल्स को फिट किया जा रहा है, जैसे कि दोस्तों CJ-20, जिसकी रेंज मानी जाती है 1000 किलोमीटर है। धन्यवाद। जय हिंद।